जारी कर जंग की गीदड़ भभकी देने की कोशिश की। ये वीडियो चीन की एक कूटनीतिक चाल है जिसके जरिए उसने अपने दुश्मनों को डराने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि अगर जंग हुई तो चीन की फौज का जवाब ऐसा होगा। वीडियो दक्षिण पश्चिम चीन का बताया जा रहा है जहां चीन के सैनिकों ने युद्ध का अभ्यास किया। अभ्यास भी ऐसा कि पहाड़ों के बीच रॉकेट लॉन्चर के जरिए चीन के फौजी ताबड़तोड़ रॉकेट दागते दिखे, बिना किसी दुश्मन के ही आगजनी और गोलाबारी करते दिखे, पहाड़ों की तरफ कंधे पर लॉन्चर रखकर मोर्टार दागते दिखे, यहां तक कि एक कबाड़ बने हुए टैंक पर आसमान से रॉकेट दागने का अभ्यास भी करते दिखे। ऐसी ही गीदड़ भभकियां चीन पिछले कुछ महीनों में कई बार दे चुका है। पहले तो ऐसे कुछ वीडियो फर्जी होने की जानकारियां भी सामने आई थी। पुराने वीडियो में शी जिनपिंग की फौज ने फिल्मों के सीन जोड़ दिए थे। राज खुलने के बाद दुनिया भर में चीन की फजीहत भी हुई थी। एक बार फिर चीन ने पहाड़ों के बीच अभ्यास का वीडियो जारी कर अपने हथियारों की नुमाइश करने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक पेट्रोल पंप पर कार में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ, जिसकी वजह से कार आग की लपटों में घिर गई। पेट्रोल भरवाने के दौरान हुए इस हादसे ने वहां मौजूद लोगों को खौफ से भर दिया। डर के मारे लोगों ने तुरंत ही पेट्रोल पंप को खाली कर दिया। वो दूर खड़े होकर कार को जलता देखते रहे। हालांकि आग लगते ही लोगों ने कार को धक्का देकर पेट्रोल पंप से दूर कर दिया था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। आग बुझने तक कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद चुनाव में आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की गिनती में कोई कमी नहीं आई। न्यूज 18 के एहतशाम खान की खबर है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की नाम की संस्था ने बिहार के पहले चरण के चुनाव में 31% उम्मीदवारों के दागी होने का दावा किया। कुल 328 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2015 में ऐसे उम्मीदवार 30% इस मामले में सबसे आगे आरजेडी है, जिसके 73% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी है जिसके 72% उम्मीदवार दागी हैं। एलजेपी ने 59% उम्मीदवारों के खिलाफ एलजेपी के आपराधिक केस दर्ज हैं, जबकि सत्ताधारी जेडीयू के 43% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हुए हैं। उम्मीदवारों की संपत्ति से जुड़ा हुआ अहम आंकड़ा भी सामने आया। पहले चरण में किस्मत आजमा रहे 35% उम्मीदवार करोड़पति हैं, जबकि 2015 में पहले चरण के 25% उम्मीदवारों की संपत्ति 1 करोड़ से ज्यादा थी। मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने मदरसों के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया। मध्य प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने मदरसों के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने मदरसों के जरिए कट्टरता फैलाने का आरोप लगाया, साथ ही इन मदरसों को मिलने वाली आर्थिक मदद बंद करने की मांग की। तो यदि आप इस देश के नागरिक हैं, तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अकाउंट हैक करने के बाद आरोपियों ने उनके अकाउंट से पीएम मोदी के खिलाफ ट्वीट भी किए, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत ट्विटर इंडिया से करने की बात कही। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कश्मीर में सुरक्षा बल की कार्रवाई से बचने के लिए अब आतंकवादी बुरके का सहारा ले रहे हैं और ये आतंकी जवानों पर घात लगाकर हमले की फिराक में हैं। इन आतंकियों में लश्कर कमांडर फैयाज भी शामिल है। दिल्ली के पास यूपी के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि उसका साथी वहां से भागने में कामयाब रहा। मध्य प्रदेश के उमरिया में एसडीओ राहुल मिश्रा पर फेंसिंग लगाने के नाम पर 35 लाख रुपए के धोखाधड़ी का आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। यूपी के ललितपुर में एक ही परिवार के 4 बच्चों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। चारों बच्चों के शव एक गड्ढे में मिले। इन बच्चों के परिवार ने गांव के ही कुछ लोगों पर जमीन विवाद में हत्या कर शवों को गड्ढे में फेंकने का आरोप लगाया और बच्चों को निकाल के हॉस्पिटल ले जाया गया। दुखद घटना है, चारों बच्चों की डेथ हो गई। दिल्ली में प्रदूषण कम